आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत बात करने जा रहा हूं। अगर हम किसी से भी ये सवाल पूछते हैं कि आखिर वो जिंदगी में चाहता क्या है, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर लोगों का जवाब होता है कि हमें ढेर सारा पैसा चाहिए, धन दौलत शोहरत चाहिए, नेम फेम चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को एक अध्ययन के बारे में बताना चाहता हूं। ये अध्ययन लगभग 724 लोगों पर 80 साल तक किया गया, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। ये प्रयोग बहुत ही अनूठा है। ये अध्ययन किया गया था ये जानने के लिए कि आखिर हमारी जिंदगी में सबसे बेहतरीन चीज हमारे पास क्या होती है, क्या पैसा होता है, क्या नेम फेम होता है, या कुछ और होता है। तो जब ये अध्ययन किया गया और जब इसके परिणाम 80 सालों के बाद आए, उन लोगों को 10-10 साल, 5-5 साल, 2-2 साल के अंतराल पे ढूंढा गया, उनका अध्ययन किया गया, जो लोग इस 724 लोग जो इस अध्ययन में शामिल थे, तो आप लोगों को जान के बहुत ही सुखद आश्चर्य होगा कि 80 साल के अध्ययन के बाद ये पता चला, अगर कोई लोग 80 साल के बाद बेहतरीन अवस्था में थे, खुश थे, बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे, लॉन्जिविटी में थे, लंबी जिंदगी जी रहे थे, स्वस्थ जीवन जी रहे थे, तो ये वो लोग थे जिन्होंने रिश्तों में निवेश किया था। आपको जानकर यह भी बड़ा आश्चर्य होगा कि जिन लोगों ने 50 वर्ष की आयु में अपने रिश्तों से बेहद ज्यादा खुश थे, ये देखा गया कि 80 साल की आयु तक पहुंचते पहुंचते उन लोगों की जिंदगी में खुशियां वैसे ही बरकरार थी। वे लोग बड़े भाग्यशाली थे, वे लोग बड़े खुश थे, वे लोग बड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे, उनको बीमारियां भी कंपैरेटिवली दूसरे लोगों की अपेक्षा बहुत कम थी। ऐसा नहीं है कि हमें जिंदगी जीने के लिए धन दौलत पैसा शोहरत कामयाबी की आवश्यकता नहीं होती है, इन तमाम चीजों की भी आवश्यकता होती है। धन दौलत में निवेश कीजिएगा, रिश्तों में भी निवेश कीजिएगा। आपके ढेर सारे दोस्त होने चाहिए, आपके बहुत सारे सहपाठी जो पुराने हैं उनको ढूंढिएगा, उनसे मिलिएगा, अपने रिश्तेदारों को जो नाराज हैं उनको भी मनाइएगा, प्यार कीजिएगा, प्यार बांटिएगा, और आप देखेंगे कि आज से 10-15-20 वर्षों के बाद जो आज आप रिश्तों में निवेश कर रहे हैं, इसका फल आपको सबसे ज्यादा मीठा महसूस होगा।